हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक टास्क ट्रैकर एप्लीकेशन के बारे में इन रिएक्ट जेएस, और उसमें एज अ डेटाबेस हम लोग यूज करेंगे लोकल स्टोरेज ऑफ द ब्राउजर। सो वो देखते हैं, हम आगे देखते हैं वीडियो में किस तरीके से लोकल स्टोरेज का यूज करते हैं और किस तरीके से हम एक सिंपल टास्क ट्रैकर एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो इसमें हम एक इनपुट बॉक्स रखेंगे जिसमें हम लोग टास्क इनपुट करेंगे, वो टास्क में ऐड हो जाएगा, और जिस भी टास्क पर हम क्लिक करेंगे वो टास्क एज अ कंप्लीट हो जाएगा, वो कंप्लीटेड की लिस्ट में चला जाएगा। तो वहाँ हमारे पास दो तरह के टास्क होंगे, एक जो न्यू टास्क होंगे, एक जो कंप्लीटेड टास्क होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से जिसमें हम लोग ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए एक इनपुट बॉक्स, तो हम यहीं पे बना लेते हैं। ये हमारा बिल्कुल app.js है, इसके अंदर कुछ सिंपल कोड है जो बेसिकली इंस्टॉल करने के बाद हमको ये कोड मिलता है। और अगर आपको सीखना है कि रिएक्ट इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो वो आप क्रिएट रिएक्ट ऐप की हेल्प से आप लोग बेसिक कोड इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप लोग GitHub से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए एक इनपुट हम सिंपल बना लेते हैं। चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इनपुट हमने ये बना रहे हैं, चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखिए एक इनपुट मेरे पास आ चुका है। इनपुट के साथ साथ मुझे एक बटन भी चाहिए, क्योंकि जब भी मैं इसमें कुछ टाइप करूंगा और जब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो वो बटन भी मुझे चाहिए। तो वो बटन बनाने के लिए हम लोग सिंपल बटन इस पे मैं लिख रहा हूँ ऐड। अब देखिए दो चीजें मेरे पास बन चुकी हैं, ये हो गया इसमें जिसमें मैं टास्क को इनपुट करूंगा, और ये हो गया ऐड जिसपे मैं क्लिक करने के बाद टास्क ऐड होगा हमारे लोकल स्टोरेज में। चलिए अब इस पे थोड़ी सी स्टाइल लगा देते हैं। इसका थोड़ा सा विड्थ 50% कर देते हैं, इसकी हाइट थोड़ा 40 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ा बेटर, ज्यादा हो गया 40 पिक्सल तो हम लोग कर देते हैं 30 पिक्सल। अब ठीक है, इसी तरीके से कुछ स्टाइल हम लोग लगा देते हैं हमारे। पहले तो इसको लेफ्ट से मार्जिन दे देते हैं, थोड़ी सी मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल दे देते हैं, जिससे थोड़ा आगे दिखे। इस बटन को थोड़ा हाइट दे देते हैं, जो कि रहेगी जैसे हमने उसको दिए 30 पिक्सल, वैसे इसको दे देते हैं, उसको 30 से थोड़ा ज्यादा देते हैं जिससे ये मैच हो जाए इसकी हाइट। ओके, ये 300 पहुंच गए। चलिए 35, ये लगभग इक्वल है, और कर देता हूँ थोड़ा 37 कर देता हूँ। ये देखिए सिंपल, ये और एक ऐड का बटन सिंपली बन गया, राइट। और ऐड की जगह मैं लिख देता हूँ ऐड, चूंकि ऐड के आगे हमें लिखना है ऐड टीएस के टास्क। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। सिंपल एक इनपुट बनाया और एक बटन बनाया। अब जैसे ही हम इसमें कुछ इनपुट करेंगे और ऐड टास्क पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे टास्क में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे जो कितने टास्क हैं, ऑलरेडी कितने टास्क पहले से एडेड हैं। तो वो देखने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोकल स्टोरेज से फैच करेंगे, और लोकल स्टोरेज से फैच करने के लिए हम लोग यूज करेंगे यूज इफेक्ट का, राइट। यूज इफेक्ट को मैंने इंपोर्ट किया रिएक्ट में से, ये हो गया हमारा यूज इफेक्ट। अब इसके अंदर एक तो हम फंक्शन देंगे जो कि रन करेगा, और एम्प्टी एरे का मतलब है कि फर्स्ट टाइम रन करेगा। फर्स्ट टाइम का मतलब जब भी ये पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो ये पेज चलेगा और पहली बार बस रन हो जाएगा ये। उसके बाद हम यहाँ ऐड टास्क करते रहे, कुछ भी करते रहे, फिर दोबारा फंक्शन रन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग सारे टास्क निकाल लेते हैं, लेट टास्क इक्वल। अब ये टास्क कहाँ से निकालेंगे, हम निकालेंगे लोकल स्टोरेज से। टास्क नाम से हम एक की बना के सेव करेंगे। अब देखेंगे हम आगे कैसे सेव करते हैं, कैसे गेट करते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। और चलिए इनको कंसोल करते हैं, टास्क को देखते हैं ये टास्क कितने मिले हैं। अभी अनडिफाइंड भी मिल सकता है, चलिए देखते हैं क्या, क्योंकि अभी शुरू में हमें कि तो सबसे पहले हम लोकल स्टोरेज को क्लियर कर देते हैं, लोकल स्टोरेज हमारी एप्लीकेशन। और यहाँ पे जाके पहले इसको पुराना कुछ पड़ा होगा वो सब क्लियर कर देते हैं। अब इसमें कुछ नहीं है,
लोकल स्टोरेज में, उसमें कुछ नहीं रखा। अब ये देखिए क्लियर कर दिया, देखिए अब हमें नल मिल रहा है बिल्कुल राइट। तो जो हमारे टास्क हैं वो हम एक एरे में रखेंगे और इनिशियली वो एक एम्प्टी एरे, में कुछ नहीं है ठीक है। तो शुरू में जितने टास्क थे वो हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब जब हम उसमें ऐड करेंगे तब उसके अंदर कुछ डेटा जाएगा। चलिए वो ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे हम कुछ इनपुट करेंगे। पहले हमें ये इनपुट चाहिए, जो हमने यूजर ने इनपुट किया है वो हमें पहले चाहिए। तो वो निकालने के लिए हम लोग इनपुट पे क्या लगाएंगे, ऑन चेंज। ये सिंपल है बिल्कुल, इसमें हम लोग ऑन चेंज से निकाल सकते हैं। ऑन चेंज में हमें एक इवेंट मिलेगा करके, इस इवेंट के अंदर क्या होगा, इवेंट के अंदर एक टारगेट होगा, मतलब उस टारगेट के अंदर वैल्यू होगी। चलिए मैं कंसोल करके दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब इस पे जैसे ही कुछ ऑन चेंज इवेंट होगा वो वैल्यू नीचे कंसोल होगी। देखिए मैंने इसमें लिखा कुछ भी, लिखता हूँ हाई, तो देखिए यहाँ पे हाई प्रिंट हो रहा है। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है, ऑन चेंज इवेंट हुआ। अब लेकिन ऑन चेंज इवेंट होने के बाद ये वैल्यू मुझे यहाँ नहीं रखनी है, क्योंकि कंसोल पे थोड़ी ना दिखानी है। हमने क्या करना है, इस वैल्यू को कहीं पे रखना पड़ेगा, और रिएक्ट में हम लोग जब वैल्यूज रखते हैं टेम्परेरी तो हम स्टेट में रख लेते हैं, और फंक्शनल कंपोनेंट में हम लोग यूज करते हैं यूज स्टेट। देखिए तो इस स्टेट का नाम रख देता हूँ, क्योंकि ये हमारे ये सिंपल हमारे एक टास्क होगा, तो इसका मैं नाम रख रहा हूँ टास्क। जो ज्यादा टास्क होंगे उनका टास्क रखूंगा, टास्क और बाद में एस लगाना वो वाला है। तो सेट टास्क को कैपिटल कर देता हूँ, कैमल केस फॉलो करते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, एक टास्क और एक ये फंक्शन होता है राइट। देखिए इट्स अ फंक्शन, सेट टास्क एक फंक्शन होगा, टास्क एक वैल्यू होगी ठीक है। अभी इनिशियली ये अनडिफाइंड है, और इसकी अगर शुरू में हमें कोई वैल्यू देनी है तो यहाँ से दे सकते हैं राइट। एक मैं शुरू में इसकी वैल्यू दे रहा हूँ एक एरे, इसके अंदर मैं कुछ टास्क बना देता हूँ, टास्क वन और टास्क टू, दो टास्क मैंने इसके अंदर बना दिए। अब ये जो टास्क हैं, और सॉरी ये टास्क की वैल्यू, ये तो ज्यादा वाले टास्क होंगे, टास्क नहीं होंगे, टास्क सिंपल टास्क जो होगा वो तो एक सिंपल एक टास्क होगा, जो कि सिंपल एम्प्टी एरे होगा, या फिर मैं ऐसा रखे हूँ इस तरीके से हो सकता है ठीक है। वो टास्क होंगे, जो ज्यादा टास्क होंगे उन्हें हम एरे में रखेंगे, जो एक सिंगल टास्क हो उसे हम एक स्ट्रिंग में रखेंगे। अब ये टास्क मैंने रखा, तो इस टास्क के अंदर टास्क नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, जो यूजर ने यहाँ पे इनपुट किया वो चाहिए मुझे इसके अंदर। और अगर इसके अंदर वो वैल्यू डालनी है तो हम सेट टास्क की हेल्प से इसके अंदर वो वैल्यू डालते हैं। चलिए अभी तो क्या टास्क वहां पे, अब हम डाल देंगे इसकी वैल्यू इसके अंदर सेट टास्क की हेल्प से। अब सेट टास्क को क्या चाहिए, वही वैल्यू जो मैंने कंसोल पे प्रिंट करके दिखाई थी इवेंट टारगेट से निकाल के, वही वैल्यू हम यहाँ पे सेट करा देते हैं, कंसोल से यहाँ से हटाते हैं। चलिए देखते हैं कि जो टास्क के अंदर वैल्यू आई वो क्या आई। रिफ्रेश करते हैं, क्लियर करते हैं, इसके अंदर मैंने लिखा हाय हाय, और देखिए इसके अंदर जो वैल्यू मैंने यहाँ टाइप किया इस टास्क के अंदर वो वैल्यू चली गई, और टास्क की वैल्यू मैंने प्रिंट की तो वो हाई आ गया। यानी अब मेरे पास इसके अंदर इनिशियली तो क्या प्रिंट होगा, टास्क। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इनिशियली क्या प्रिंट हुआ, टास्क, बाद में जब मैंने इसमें कुछ टाइप किया तो उससे रिप्लेस हो गया। तो इनिशियली मुझे क्या चाहिए, मुझे इनिशियली कुछ नहीं चाहिए, एम्प्टी स्ट्रिंग चाहिए ठीक है, क्योंकि शुरू में मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मैं इसमें टाइप करूंगा तब मुझे इस टास्क के अंदर कोई वैल्यू चाहिए। तो जहां से मैं जैसे ही टाइप करूंगा ये ऑन चेंज इवेंट चलेगा, यहाँ से ये वैल्यू उठाएगा इवेंट और टारगेट से, वैल्यू उठा के सेट टास्क को देगा, सेट टास्क टास्क को सेट कर देगा। तो यहाँ मेरे पास फाइनली वैल्यू आ जाएगी, और मैं फिर उसको प्रिंट करूंगा तो मुझे यहाँ वैल्यू दिख जाएगी। अब यहाँ तक वैल्यू दिखने का काम हो गया, अब करना क्या, अब करना ये है जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू है, तो यहाँ जो वैल्यू वो टास्क के अंदर होगी, यानी टास्क के अंदर जो वैल्यू है वो मेरे इन टास्क के अंदर चली जाए। तो वो कैसे करेंगे, चलिए उस पर काम करते हैं। तो बटन के ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करेंगे। अब इस फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, लोकल स्टोरेज में सेट करना पड़ेगा और स्टेट में भी,
लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, से आइटम को उसका नाम हम रखते हैं टास्क, ये हमने सेट करना है इसके अंदर। और टास्क क्या होगा, एक एरे होगा, जिस एरे के अंदर क्या होगा कि जो पुरानी वैल्यू, इसके अंदर हम एक वैल्यू डाल देते हैं अभी, तो जो टास्क वैल्यू है वो डाल देते हैं, राइट। अभी के लिए हमने डाल दिया टास्क। जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू डाली, एड टास्क पे क्लिक कर दिया। चलिए देखते हैं जाके, हमारे पास एप्लीकेशन लोकल स्टोरेज, यहाँ से आना लोकल स्टोरेज पे, और इसके अंदर लोकल 3000 वाले पे टास्क के अंदर एक सिंपल वैल्यू आ रही है, जो कि एक वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जो है कि एक एरे वैल्यू होनी चाहिए। तो क्योंकि ये एरे के अंदर मैंने बनाया, तो ये एज अ स्ट्रिंग जाएगा, तो एज अ स्ट्रिंग जाने के लिए हम लोग करेंगे स्ट्रिंगिफाई, राइट। सेव करने से पहले हम इस एरे को क्या कर देंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं अब क्या सेव होगा। के और एड टास्क पे क्लिक किया, देखिए अब ये एरे के अंदर आ गया। वैसे एक्चुअल में ये एक स्ट्रिंग है जो एरे जैसी दिखती है, इसको वापस से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, जब हम गेट करेंगे तब। वेट, अभी मैंने रिफ्रेश किया और इसमें मैं कोई भी टास्क ऐड करूंगा, ये ऐड हो जाएगा। अभी एक्चुअली क्या हो रहा है, जो भी टास्क मैं ऐड करता हूँ बस एक ही टास्क ऐड होता है, मुझे ऐसा नहीं करना। मुझे क्या करना है, जो इसमें पहले से भी टास्क हैं वो भी रहे, साथ में जो मैं ऐड करूँ वो भी ऐड हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन जो भी इसके अंदर टास्क है वो हमें गेट करने पड़ेंगे। वो गेट कैसे करेंगे हम लोग, जैसे हमने यहाँ पे गेट किए थे टास्क इक्वल लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टास्क, ये सारे टास्क हमने गेट कर लिए, और इन सभी टास्क को हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेट में रख लेंगे। जैसे ये एक स्टेट है, क्योंकि ये रिएक्ट में भी चाहिए हमें इधर, और ये शुरू में क्या रहेगा, एक एम्प्टी, जब पेज लोड होगा तो शुरू में एक एम्प्टी एरे रहेगा। फिर इस एम्प्टी एरे को हम सेट टास्क की हेल्प से चेंज करेंगे, जो कि हमें यहाँ से मिलेगा। देखो यूज इफेक्ट पहली बार चलेगा, और यहाँ से हम लोग जैसे ये टास्क, ये वाले सारे टास्क गेट करेंगे, वो हम लोग सेट टास्क की हेल्प से इसमें सेट करा देंगे, लेकिन एज अ स्ट्रिंग नहीं, इसको पार्स करने के बाद जेसन डॉट पार्स, यानी जो स्ट्रिंग में था उसको फिर से हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जेसन में, ठीक है। अब नीचे प्रिंट करेंगे टास्क को, देखिए चलिए देखते हैं अब टास्क के अंदर हमारे टास्क आगे सारे या नहीं, तो कंसोल पे देखते हैं। देखिए टास्क के अंदर हमारा ये टास्क आ गया। अब दूसरा टास्क ऐड करते हैं तो पता चलेगा, इसके अंदर ऐड किया, ऐड टास्क कर दिया, इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, एचजे वाला आ जाएगा इस बार, देखिए एचजे वाला आ गया। अब अभी भी वही हो रहा है कि एक एक ही बस जा रहा है, तो जब हम सेट कर रहे हैं ना, वो कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बटन के क्लिक पे। तो इसमें हमें ये करना है, जो भी हमारे पहले से है वहां पे, तो पहले से कौन से वाले होते हैं, पहले से हमारे सारे ये हैं जो हमने टास्क में रखे हुए हैं, जो कि हमने लोकल स्टोरेज से ही गेट करके स्टेट में रखे हुए हैं। टास्क वाले सारे चाहिए और टास्क नया वाला भी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तीन डॉट, मतलब जो टास्क एरे के अंदर सारे एलिमेंट है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, कॉमा, साथ में ये भी चाहिए जो भी नया हमने स्टेट में सेव किया था, इसमें टाइप करने के बाद स्टेट में रखा था ना उसके अंदर। अब इसको एड टास्क करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, देखिए इस बार दो हो गए, क्योंकि जो पुराने रहेंगे उनको भी रखेगा, साथ में नया भी ऐड कर देगा। अब क्या करना है हमें, जो हमारे स्टेट में ये टास्क आ गए उनको हमें यूआई पे शो करना है। तो स्टेट में तो हमारे पास टास्क आ गए, जो कि सबसे पहले हमने पेज को रिफ्रेश किया, जो भी इसके अंदर स्टेट के अंदर पड़े हुए, मतलब जो लोकल स्टोरेज के अंदर पड़े हुए थे वो सारे हमने गेट कर लिए। गेट करने के बाद हमने इस टास्क एरे के अंदर सेव कर लिया, कैसे, यूज इफेक्ट की हेल्प से। सबसे पहले पेज पे आते यूज इफेक्ट चला, उसने क्या किया, टास्क सारे जो लोकल स्टोरेज में पड़े थे उनको गेट किया, जेसन में पार्स किया, जेसन बनाया और उनको सबको टास्क को दे दिया, और टास्क के पास सारे वो एलिमेंट्स हैं जो हमें चाहिए। चलिए इस बटन के बाद यहाँ पे एक सिंपल हम लोग डिव बना लेते हैं। अब इस डिव के अंदर हमें वो सारे एलिमेंट रेंडर कराने,
वो दिखाने के लिए हम लोग कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से करली ब्रैकेट के अंदर, एक तरह से समझ लो HTML के अंदर अगर हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जो हमारे टास्क हैं, सबसे पहले हम करेंगे टास्क को चेक कि टास्क होने चाहिए, फिर डबल एंड। जो हमारा टास्क है उसके पास लेंथ ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा उसके अंदर कोई एरे के अंदर कोई एलिमेंट है या नहीं है। अगर एरे के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो लूप चलाने का कोई फायदा ही नहीं है, तो लूप नहीं चलाएंगे। तो टास्क और टास्क की लेंथ अगर ग्रेटर देन जीरो है तब हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, टास्क पे एक मैप चला देंगे। मैप क्या करेगा, उस एरे के सारे एलिमेंट को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दें या जिस भी चीज में कन्वर्ट करना चाहें। मैप तब चलाते हैं जब एरे के सभी एलिमेंट को चेंज करना होता है, फिल्टर तब चलाते हैं जब कुछ एक को करना होता है। अगर सभी को चेंज करना है तो मैप चलाएंगे, और मैप के अंदर हर बार एक फंक्शन चलेगा। अब ये वाला अंदर वाला जो फंक्शन है ये सबके लिए चलेगा वन बाई वन, मतलब उस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, सबसे पहले क्या करेगा वो उसी एलिमेंट के पहले आइटम को देगा और इंडेक्स को देगा। फर्स्ट टाइम में क्या देगा, पहला एलिमेंट और उसका पहला इंडेक्स जो कि जीरो होगा। अब इसके अंदर से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसके अंदर से हम कुछ भी जो चाहे वो रिटर्न कर सकते हैं। चलिए मैं इसके अंदर से एक पैराग्राफ बनाता हूँ, इसके अंदर ये लिख देता हूँ। क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं इसको। ओके, तो कर्ली ब्रैकेट की वजह से इशू दे रहा था, ये इस तरह का लगा हुआ था। ठीक है, ओके, चलिए इसको देखिए। अब दो एलिमेंट थे उसके अंदर, दोनों के लिए मैंने ये शो करा था, जबकि मैं दोनों के लिए ये नहीं शो करना, जो एक्चुअल में वैल्यूज है वो शो करनी है। अब वो एक्चुअल वैल्यू कैसे मिलती है, जब लूप चलता है तो पहला एलिमेंट देता है हमें, फिर दूसरा एलिमेंट देता है जो, और वो एलिमेंट इसके अंदर होता है आइटम के अंदर, तो मुझे इसकी वैल्यू शो करानी ना कि उसकी। चलिए इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए इसकी एक्चुअल वैल्यूज आ गई। इसके अंदर मैं कुछ और भी ऐड करके ऐड टास्क कर सकता हूँ। ठीक है, अब रिफ्रेश करूंगा तो इसके अंदर भी वो आ गया, राइट। अब एक एक चीज यहाँ पे दिक्कत हो रही है, वो हम लोग देखते हैं वो क्या दिक्कत है। पहले तो मैं इंडेक्स और दिखा देता हूँ पैराग्राफ के अंदर, क्योंकि इंडेक्स जो होते हैं ना वो जीरो से शुरू होते हैं। इंडेक्स, अब मैं इंडेक्स दिखाऊंगा तो वो जीरो से शुरू होंगे, देखिए जीरो पे ही वन पे, तो इसमें मैं इंडेक्स में एक प्लस वन कर लेता हूँ जो मीनिंगफुल हो जाए, वैल्यू वन टू थ्री दिखेगा फिर। ठीक है, ये चीज हुई। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब मैं जैसे इस पे कुछ ऐड करता हूँ और ऐड टास्क पे क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ तो ऐड हो जाता है, लेकिन वो जब तक मैं रिफ्रेश नहीं करूँ तब तक नहीं दिखता। तो इसके लिए हम लोग करना होता है कि जैसे हम यहाँ पे ऐड करें तो हम उसको स्टेट में भी अपडेट करें, क्योंकि जैसे ही हम स्टेट में अपडेट करेंगे यूआई अपने आप अपडेट हो जाता है, ये रिएक्ट में अपने आप हो जाता है। बस हमें करना है क्या, स्टेट को भी अपडेट करना है। तो जैसे हम लोकल स्टोरेज में एक्चुअल एक तरह से डेटाबेस में अपडेट करें, साथ में हम स्टेट में भी अपडेट करेंगे, जो कि हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग सेट टास्क कर देंगे और इसके अंदर भी एरे। अब इस एरे के अंदर भी ये वाला जो एरे है ना, हम ये डालेंगे, मतलब स्टेट में जो पहले से पड़े सारे एलिमेंट वो तो चाहिए, साथ में जो भी हमने यूजर ने इनपुट किया वो भी चाहिए। चलिए देखते हैं इस बार जब हम कुछ अपडेट करेंगे तो वो अपडेट होगा। मैंने डाला न्यू, एड टास्क पे क्लिक किया, देखिए ये नया एड होके आ गया, राइट। ये सिंपल लिस्ट तो हमारी आने लगी। अब हम लोग नेक्स्ट टास्क जो करने वाले हैं वो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो एक कंप्लीटेड की लिस्ट में चला जाएगा, नीचे नीचे की लिस्ट होगी जो होगी ये कंप्लीटेड लिस्ट है। वो कंप्लीटेड लिस्ट में हम लोग उस एलिमेंट को डाल देंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता लगाना कि हमने कौन से एलिमेंट पे क्लिक किया, राइट, उसी को तो हटाएंगे फिर। चलिए, और हम लोग रखेंगे उन एलिमेंट्स को एक कंप्लीटेड टास्क वाले में, इनको मैं बोल रहा हूँ को टास्क करके, मतलब जो कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीटेड टास्क, सीओ टास्क, को टास्क और सेट को। ये शुरू में एम्प्टी रहेंगे और इन पे भी हम लोग जैसे टास्क पे लूप चला के दिखा रहे हैं वैसे ही इन पे भी चलाएंगे सेम टू सेम, जो ये वाला टास्क है
इसके अंदर भी हम लोग लूप चला के दिखा देंगे, और उसके ऊपर लिख भी देखेंगे कंप्लीटेड टास्क है। ये वाले टास्क हमने कंप्लीटेड के अंदर दिखा दिया। अभी एक्चुअल में मैंने टास्क को रेंडर कर दिया इसलिए दिख रहा है। अब इसको मैं एक्चुअल में इसकी को टास्क की स्टेट से रिप्लेस कर देता हूं। को टास्क अब इसके अंदर एक भी नहीं है, मतलब बस यहाँ पे मुझे वैल्यू डालनी है। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू डालू, एक वैल्यू डाली तो एक दिख जाएगा यहाँ पे। तो इस स्टेट के अंदर वैल्यू निकालना है, यहाँ से निकाल के इसके अंदर भेजना है। तो सबसे पहले मुझे पता लगाना होगा कि मैंने कौन से वाले पे क्लिक किया, जिस पे क्लिक किया उसको इसके अंदर भेज देंगे। तो वो पता करने के लिए जहां पे लूप चल रहा था ये कैसे आ रहे हैं, ये एक लूप की हेल्प से आ रहे हैं, तो उसी लूप के अंदर चलते हैं। ये रहा वो लूप, यानी एक पैराग्राफ है, यानी इस पैराग्राफ पे जब भी क्लिक होगा तो एक फंक्शन में कॉल करा सकता हूँ। अब इस फंक्शन में मैं इजीली पता लगा सकता हूँ कि ये आइटम है कौन सा। सबसे पहले मैं कंसोल कर लेता हूँ, इस पे हम आइटम पे क्लिक कर देंगे। अब चलिए देखते हैं, अब इस कंसोल में हम लोग देख लेते हैं कि जिस पे हमने क्लिक किया क्या एक्चुअल में वही है या नहीं। तो HD पे मैंने क्लिक किया, देखिए अच्छे आ गया। इस पे क्लिक किया, ये आ गया। अब मुझे एक्चुअल में वो एलिमेंट मिल गया जो मुझे नीचे ऐड करना है। तो वो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो सेट कोड टास्क है ये मेथड है, इसकी हेल्प से हम लोग ऐड कर सकते हैं, उस एरे को अपडेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो कोड टास्क में पहले से पड़े हुए हैं वो साथ में जिस पे क्लिक हुआ। अब क्लिक किस पे हुआ, आइटम पे क्लिक हुआ, क्योंकि जैसे मैंने ऑन क्लिक किया आइटम पे क्लिक हुआ, तो इसी आइटम को मैं इधर ऐड कर दूंगा सैंपल। इस कंसोल यहां से मैं हटा देता हूं। अब देखिए नीचे एक है अभी, राइट। अभी मैंने इस पे क्लिक किया, अब नीचे कितने हो गए, दो हो गए। पे क्लिक किया, नीचे कितने हो गए, तीन हो गए। अब एक चीज तो हो रही है, यहां से हटके यहां तो जा रहा है, लेकिन क्या करना है, यहां से भी हटाना होगा उस एलिमेंट को। और उससे पहले एक चीज और करेंगे, क्योंकि अभी एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है, ये यहाँ से तो हटके यहाँ चला गया, लेकिन ये कोड टास्क जो है ना खाली स्टेट स्टेट में है, राइट। तो ये सेम चीज ना हम स्टेट में हमारे लोकल स्टोरेज में भी अपडेट करेंगे, वरना जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये सारी जो भी हमने चेंजेस किए सब हट जाएंगे। अगर हम चाहते चेंजेस हमारे बने रहे तो उसके लिए हम लोग इस स्टेट को इसके अंदर भी अपडेट करेंगे। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, इस बटन के क्लिक करने में इसको अपडेट करते थे, अब हम क्या करेंगे, इसके क्लिक करने पे इसको अपडेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने किया था जैसे लोकल स्टोरेज सेट आइटम, ये चीज यही सेम चीज यहाँ पे कर देंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। उस बार हमने टास्क नाम से रखे हुए थे, इस बार हमने रखे हुए को टास्क नाम से, वही जेसन स्ट्रिंगिफाई, और टास्क की जगह हो जाएगा को टास्क, और यहाँ जो एक्चुअल में ऐड करना है वो ये है। तो इससे क्या होगा, एक इसके अंदर भी एक एलिमेंट बन जाएगा। अब चल के देखते हैं हम लोग हमारे लोकल स्टोरेज में कुछ बना या नहीं। एप्लीकेशन में चलते हैं, ये देखिए कोटास नाम से दो इसके अंदर बन गए, क्योंकि हमने यहां से क्या किया, कोटास नाम का एक एरे बनाया और उसके अंदर जो कोटास्क स्टेट के अंदर पहले से पड़े हुए थे वो, और साथ में जो नया ऐड किया वो भी हमने इसके अंदर पुश कर दिया। अब पुश तो कर दिया, अब हमें क्या करना है, जैसे हम इस पेज को रिफ्रेश करें वहां से गेट करके दिखाना भी है, क्योंकि अभी वहां तो है, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं अपडेट हुआ। यहाँ कौन सा वाला दिख रहा है, सिर्फ वो दिख रहा है जो स्टेट में पहले से पड़ा हुआ था, और ऐसे एक्चुअल में स्टेट के अंदर कुछ नहीं रहता, शुरू में स्टेट खाली रहती है। हम लोग क्या करते हैं, स्टेट को तब अपडेट करते हैं जब इस फंक्शन को चला, इस पेज को जब हम रिफ्रेश करते हैं तो एक फंक्शन चलता है जो कि यूज इफेक्ट होता है। ये फंक्शन क्या करेगा, स्टेट से डेटा गेट करेगा। देखिए जैसे यहाँ पे गेट किया हुआ, सेम टू सेम ऐसे ही इसको भी हम लोग गेट करेंगे और स्टेट में अपडेट कर देंगे।
इसको बोलूंगा मैं को टास्क। को टास्क इसको बोलूंगा और गेट करने के बाद इनको पार्स करके स्टेट में सेट कर दूंगा। देखिए पार्स किया, स्टेट में सेट कर दिया, इसको कर देते हैं रिफ्रेश। चलिए को टास्क जो होते हैं हमारे ये को टास्क सेट। अब ये सेट को टास्क को अपडेट करना है, मैंने सेट टास्क को अपडेट कर दिया। चलिए वो दोनों उधर अपडेट हो गए, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो जो यहाँ है वो यहाँ अपडेट होंगे, जो यहाँ यहाँ अपडेट होंगे। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसमें तीन हो गए। अब ये तीन के तीन बने रहेंगे क्योंकि वो मेरी लोकल स्टोरेज में अपडेट मैंने कर दी है और साथ में वहीं से गेट करके इसमें अपडेट कर दिया। अब इतना काम तो हो गया, जो इस पर क्लिक होगा वो नीचे चला जाएगा कंप्लीटेड टास्क में। इनको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा कलर डिफरेंट देते हैं, इनको देते हैं ग्रीन और इनको रेड, इसको कलर देते हैं और इनको पैराग्राफ पे हम लोग स्टाइल लगाते हैं, कलर डालते हैं इस पे रेड, फॉन्ट रेड डाल देते हैं। डाल देते हैं ठीक है। और ये ऐप कुछ ज्यादा इधर उधर भगाई, इसको पहले तो सेंटर करते हैं, वो करेंगे हमारे सबसे ऊपर वाले के अंदर। यहाँ पे स्टाइल लगा देते हैं थोड़ा सा। आप लोग क्लास नेम के हेल्प से भी लगा सकते हैं सिंपल, वो कोई इशू नहीं है। मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, जरूरी ऐसे लिखना। पैडिंग कर देते हैं हम इस पे 15 पिक्सल चारों तरफ से। अभी थोड़ा बीच में आएगा, थोड़ा बेटर लगेगा पहले से। टास्क ट्रैकर है और ये सिंपल हेड टास्क जो कंप्लीट होते रहेंगे वो नीचे जाते रहेंगे। और इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देते हैं सबका। उसके लिए हम लोग करते हैं पैराग्राफ को फर्स्ट लेटर कैपिटल करने के लिए टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में होगा वो कैपिटलाइज ठीक है। इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, थोड़ा बेटर लग रहा है पहले से। नया कोई ऐड किया, यहाँ आ गया, इसके अंदर नहीं गया, इस पर क्लिक किया तो यहाँ आ गया। अब एक इशू रह गया कि जो यहाँ पे रहता है उसको हटाना भी है, मतलब जो हम इस पर क्लिक करेंगे जिस पे भी क्लिक होगा उसको ऊपर से हटाना है और नीचे वाले में तभी ऐड करना है जब यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ से हटाने के लिए जब हम क्लिक करते हैं तो उसको फिल्टर करना है, तो हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं फिल्टर करते हैं, कुछ एलिमेंट कम करने होते हैं ना तो फिल्टर कर देते हैं। तो जो एरे है ना ये वाला, इसको फिल्टर कर देंगे जब हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे सेट को टास्क को तो हम चेंज कर रहे हैं लेकिन टास्क को कुछ नहीं कर रहे, तो सबसे पहले टास्क को ही चेंज करेंगे। चलिए तो सेट को टास्क कर रखें दोनों जगह, और वो भी दोनों जगह करेंगे यानी लोकल स्टोरेज में भी और स्टेट में भी। उसके लिए हम लोग करेंगे सेट टास्क और इसको एक एरे चाहिए, नया एरे जिसमें से वो एलिमेंट हट चुका हो, और वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं जो हमारे स्टेट में टास्क पड़े हुए हैं उनके ऊपर फिल्टर लगा देंगे और उसको हटा देंगे जो हमें नहीं चाहिए, टास्क डॉट फिल्टर। अब इसके अंदर हम लोग चलते हैं आई, और आई की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए किसके, आइटम के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर आइटम के इक्वल है तो उसको हटा देंगे। देखिए अब ऊपर से हटना शुरू हो जाएंगे। देखो मैं ट्रिपल जी पे क्लिक करता हूँ तो वहां से वो हट गया और वो नीचे आ गया, लेकिन रिफ्रेश करूंगा फिर से दिख जाएगा क्योंकि मैंने सिर्फ स्टेट में चेंज किया था, और स्टेट रिफ्रेश करते ही फिर से अपडेट हो जाती है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लोकल स्टोरेज में भी उसको हटाना पड़ेगा। तो सेम काम मैं यहाँ भी करूंगा,
लोकल स्टूडेंट और सेट आइटम, और ये को टास्क नहीं टास्क, फिर वही जेसन स्ट्रिंगिफाई, और ये वाला जो एरे है टास्क डॉट फिल्टर क्या करेगा, एक एरे रिटर्न करेगा एक, जिसमें से बस जिसको हम जो हमें नहीं चाहिए उसको हटा देगा वो। चलिए ये सही चलेगा, चलिए अब देख लेते हैं, रिफ्रेश करने के बाद भी अच्छा चलेगा। पहले मैं सारी ये सारी इसको क्लियर कर देता हूँ लोकल स्टोरेज को, और रिफ्रेश करते हैं, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे कंप्लीट टास्क कोई नहीं है, तो इससे इससे हम लोग क्या करते हैं, अब सबसे मैं लिखता हूँ हेलो एट टास्क किया, टास्क इट नॉट इटरेबल, कहाँ पे टास्क इज नॉट इटरेबल के, अगर हमने इसको क्लियर कर दिया है तो टास्क जो है वो इटरेबल नहीं रहेगा। अच्छा टास्क अब अनडिफाइंड हो गया, राइट ये टास्क इस पे ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि हम टास्क में मैप चला रहे हैं, तो मैप नहीं चला पाएंगे उस पे। अच्छा ये मिस्टेक हो रही है हमारी, यहाँ से हम लोग सबसे पहले यूज इफेक्ट में जाते हैं, इस वक्त चलाते हैं, और इसमें हम लोग सेट तभी करेंगे जब टास्क की वैल्यू कोई डिफाइंड होगी, इफ टास्क, अगर टास्क डिफाइन होंगे तभी हम उनको ट्रेड करेंगे, सेम चीज हम को टास्क के साथ भी करेंगे। इफ अब ये ऐसा एरर नहीं देगा, वो ऐसा से नहीं दे रहा क्योंकि टास्क लोकल स्टोरेज से मैंने सब कुछ हटा दिया, वो अनडिफाइंड हो गया, और यहाँ से जब मैंने इसको गेट किया और सेट करा दिया, मतलब जो ये एम्प्टी एरे था वो भी अनडिफाइंड में कन्वर्ट हो गया, और अनडिफाइंड पे लूप नहीं चलेगा। अब रिफ्रेश करते हैं, अब ये फिर से इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट करके इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा कोटा के अंदर हमने एम्प्टी स्ट्रिंग डाल रखी है, चलिए इसलिए दिख रहा है, अब रिफ्रेश करते हैं। हेलो टास्क वन, सो इसमें ऐड किया हेलो टास्क वन आ गया, सो इस पे हम चलते हैं इट्स डन पे, हम लोग ऐड कर देते हैं नेक्स्ट टास्क ऐड हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग थर्ड टास्क पे वर्क करते हैं, थर्ड टास्क इस पे हमने क्लिक किया, एक तीसरा टास्क ऐड हो गया। इसी तरीके से हम जितने भी टास्क चाहें वो ऐड कर सकते हैं, मान लो हमारा ये टास्क है कंप्लीट हो जाता है तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं, तो ये कंप्लीटेड की लिस्ट में चला गया। तो इस तरीके से हम ऑल जितने भी टास्क हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये जाएंगे नहीं, यहीं पे बने रहेंगे। अब चलिए न्यू टास्क पे क्लिक करते हैं, न्यू टास्क इस पे मैंने ऐड किया, एक नया टास्क ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम सिंपल एक टास्क ट्रैकर एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन है, बेसिक क्रेड ऑपरेशंस है इसमें। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियोस लेके जाएंगे और डिटेल में, जिसमें हम लोग एपीआईज का यूज करेंगे, बैकएंड एपीआईज वगैरह का, उसकी हेल्प से हम एक टास्क ट्रैकर एप्लीकेशन बनाएंगे। ये हमने लोकल स्टोरेज की हेल्प से बनाई थी, लोकल स्टोरेज कहाँ होती है एप्लीकेशन के अंदर, लोकल स्टोरेज यहाँ पे सेव किया था हमने जो ब्राउजर में होती है, और ये रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं जाती है जब तक कि हम इसको खुद से जाके क्लियर ना करें। तो इसमें से हम ये सब चीजें हटा देते हैं, कंसोल वगैरह। चलिए तो ये इसका कोड है गाइस, सिंपल एक बार मैं दिखा देता हूँ टोटल कोड, ये है इसका कोड फाइनल कोड। So, thank you guys for watching this video and like, share and subscribe guys.